पिछले दो दिनों से मुंबई में जमावबंदी पर रोक और धारा 144 लागू, इस बात पर इस जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। काफी लोगों ने कमेंट किया कि वास्तव में धारा 144 या फिर जमावबंदी की जो खबर चल रही है वो क्यों, और इस तरीके की गाइडलाइंस क्यों जारी की गई है। इसको लेकर काफी कंफ्यूजन, काफी लोगों ने कमेंट भी किया है। तो आपको दिखाते हैं मुंबई पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। उन्होंने चीजें साफ करी हैं कि वास्तव में ये जो धारा लगती है उसका क्या कारण है और उससे आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ना चाहिए। नमस्कार, मुंबई शहर में सीआरपीसी धारा 144 के आदेश जमावबंदी के लिए लागू किए गए हैं, ऐसी खबर आ रही है। ये खबर सरासर गलत और लोगों में संभ्रम कंफ्यूजन तैयार करने वाली है। कृपया ये बात समझ ले कि मुंबई शहर में जो लोग अवैध रूप से मोर्चा निदर्शन निकालना चाहते हैं, जो लोग कानून और सुव्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए जमा होना चाहते हैं, उनके खिलाफ मुंबई पुलिस एक्ट 37(1)(3) के तहत आदेश हर 15 दिन के बाद जारी किए जाते हैं। इस आदेश का हमारी रोज की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे जो पारिवारिक फंक्शंस रहते हैं, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स रहते हैं, स्कूल कॉलेजेस क्लब्स के फंक्शंस रहते हैं, शासकीय फंक्शंस रहते हैं, इस पे कोई इसका असर नहीं है। तो कृपया ये आदेश की वजह से अपना कंफ्यूजन ना करें, अफवाह ना फैलाएं, गलत फहमी ना पाले और अपनी रोज की जिंदगी सामान्य रूप से चलने दें। मीडिया से भी विनती है कि इस तरह की खबरें जो आदेश हर 15 दिन के बाद निकलते हैं उसके बारे में मीडिया में ऐसी कंफ्यूजन निर्माण करने वाली खबरें ना दें। धन्यवाद। जय हिंद।